ठीक है भाई, आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये है वेंटिलेटर, वेंटिलेटर कितने का, 2 फीट का, डी आई एंटर, यहाँ से लेके ये यहाँ तक कितना आ रहा है, 2 फीट। कंट्रोल टेप, अब इसी लाइन को मैं ऑफसेट फेंकूँगा कितना, मगर इसमें डिस्टेंस चेक करूँ, डी आई एंटर, यहाँ से लेके ये यहाँ कितना आ रहा है, 1 फीट 9 इंच। तो ऑप्शन ले लेता हूँ 1 फीट माइनस 9 इंच, सो सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ फेंक का, फिर इसी को मैं ऑफसेट फेंक देता हूँ 2 फीट का, ऑफसेट 2 फीट का, इसको पकड़ा या फेंक दिया, ठीक है। इन दो लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा, ई एक्स डबल इंटर, ये एक्सटेंड हो गई, इसको मैं ट्रिम करूँगा, टी आर डबल इंटर, यहाँ से ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, स्केच, ये वेंटिलेटर स्पेस आ गया, ठीक है। इसी तरह से अभी आ रही है विंडो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट, डी आई एंटर, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ तक 6 फीट आ रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ रहा है, डी आई एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट आ रहा है। चलो बात बना लेते हैं, ऑप्शन 3 फीट का, इसको सेलेक्ट करें यहाँ पे का स्कैप, ऑफसेट 6 फीट का, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे का स्कैप, ई एक्स डबल इंटर, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे का, और ट्रिम करेंगे, टी आर डबल इंटर, यहाँ पे ट्रिम, यहाँ पे ट्रिम, ठीक है। एक खिड़की बनाने की जगह आ गई, उसके बाद इस रूम में यहाँ पर भी खिड़की, यहाँ से लेकर यहाँ भी कितनी है, डी आई एंटर, यहाँ से लेकर ये जूम इन करके यहाँ तक कितना है, 5 फीट 3 इंच का इसमें स्पेस रखा हुआ है, ऑफसेट लेता हूँ 5 फीट 3 इंच, 5 फीट माइनस 3 इंच, साइन को सेलेक्ट करा यहाँ तक, फिर कर दिया स्केप, फिर ऑफसेट दे दिया 6 फीट का यहाँ तक। अब इन दोनों लाइनों को मैं एक्सटेंड करूँगा, ई एक्स डबल इंटर, फिर मैं क्लिक करके ये यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये एक्सटेंड हो गई, स्केप, टी आर डबल इंटर, ट्रिम, ये ट्रिम, स्केप, ये बन गई विंडो, उसके बाद कहाँ है विंडो, और ये भी है विंडो, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रही है सीरियल, सीरियल के लिए ऑप्शन डी आई इंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रहा है, 6 फीट, उसके बाद 6 फीट बोलने के बाद ये क्या है, दोबारा इंटर कर लेता हूँ, कमांड लगी पर डिस्टेंस की, ये है 6 फुट 1 फिट 7 फिट, 7 फीट का मैं ऑफसेट फेंक लेता हूँ, खिड़की बना लूँ, फिर वो सीढ़ियाँ बना लेंगे, ऑफसेट लिया 7 फिट, इसको सेलेक्ट किया यहाँ तक स्केप, ऑफसेट लिया 6 फीट का, उसको सेलेक्ट करके यहाँ तक स्केप, टी एक्स डबल इंटर, यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, अब करेंगे ट्रिम, टी आर डबल इंटर, यहाँ पर ट्रिम, यहाँ पर ट्रिम, स्केप, कंट्रोल टैब, क्लिक किया गया, उसके बाद यहाँ पर खिड़की बनानी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, डी आई इंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट है, ऑप्शन ले लेता हूँ 3 फीट का, सेलेक्ट करके यहाँ तक स्केप, फिर ऑप्शन ले लेता हूँ 6 फीट का, सेलेक्ट करके यहाँ तक स्केप, ई एक्स डबल इंटर, यहाँ पे क्लिक करा, टी आर डबल इंटर, यहाँ पे ट्रिम, यहाँ पे ट्रिम, स्केप, ठीक है। उसके बाद विंडो एक यहाँ पे, ये यहाँ भी विंडो है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी आई इंटर, उम्मीद है कि 3 फीट होगा, 4 फीट, ठीक है। तो ऑफसेट में ले लेता हूँ 4 फीट का, उसको सेलेक्ट करा, यहाँ फेंक दिया स्केप, और अगर बड़ी लाइन आ गई है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऑफसेट ले लेते हैं 6 फीट का, उसको पकड़ के यहाँ तक स्केप कर लो, फिर कर लो ट्रिम, टी आर डबल डबल इंटर, अब ट्रिम, यहाँ पर ट्रिम, ये ट्रिम, स्केप करो, जो ऊपर दो लाइनें दी थी वो चली गई, ठीक है। अब खिड़कियाँ बना लो, ठीक है, खिड़कियाँ बना लो, उसके बाद डोर भी बना लेते हैं, डोर बना हुआ है, यहाँ पर वेंटिलेटर आ रही है, वेंटिलेटर क्लियर बना लेते हैं, पहले
इंटर प्लस पॉइंट करके यहाँ पे लिखा था वी एंड वेंटिलेटर इंटर। अब क्लिक करके इसको भी ब्राउन टाइप दे देता हूँ, ठीक है ब्राउन टाइप, ब्राउन टाइप वही ओके। फिर यहाँ कंटिन्यूस में जाकर जैसे शुरू भी घर बन बनाए थे लोड आईएसओ डैश और उसको ओके कर देता हूँ, आईएसओ डैश को सिलेक्ट करके ओके। एक और लिया ले लेता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ विंडो, ठीक है विंडो को सिलेक्ट करके विंडो रेड कलर की होती है ओके। और यहाँ पे एक और दे देता हूँ वॉल, वॉल इन साइड रूम, रूम की दीवार। एक और लिया ये कर देता हूँ वॉल बाउंड्री, ठीक है बाउंड्री बाउंड्री वॉल आउटसाइड आउटसाइड, ठीक है इन दोनों वॉल को कलर नहीं करते। वॉल इनसाइड का कर देता हूँ सियान, जो वॉल आउटसाइड है बाउंड्री है वो कर देता हूँ मैं पर्पल, ठीक है और ये ओके ये काट दो यहाँ से। अब लो लाइन एंड एंटर, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक स्केप कर दो, इसको लाइन दे दो ऑफसेट लो दो इंच का, उसके बाद ये डोर लेयर ऑफ कर देता हूँ, ये भी लेयर ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनसाइड वाली जितनी भी दीवारें हैं वो कलर मुझे देनी है वॉल की। पहले तो मैं बाउंड्री वॉल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आउटसाइड वॉल सिलेक्ट करने के बाद लेयर में जाके ये भी दूंगा वॉल आउटसाइड, स्केप कर देता हूँ ये वॉल आउटसाइड आ गई, ठीक है एंटर। वॉल आउटसाइड ये मुझे कंटिन्यूस चाहिए, सॉलिड लाइन ओके, ये भी सॉलिड लाइन चाहिए ओके ये आ गई, ठीक है। उसके बाद मुझे पर्पल वाली लेयर ऑफ करनी है, येलो वाली ऑफ करनी है, वेंटिलेटर वाली ऑफ करनी है, बाकी जो लेयर बचेंगी उसको मैं सियान कर दूंगा, ठीक है कमांड देता हूँ लेयर ऑफ A-A-Y-O-F इंटर, पर्पल वाली गायब, येलो गायब, वेंटिलेटर गायब, उसके उसके बाद ये दीवार बच गई। इन सबको सिलेक्ट करके लेयर में जाके मैं कर दूंगा वॉल, वॉल इनसाइड रूम, उसके फिर दिया सारी लेयर को ऑन करता हूँ यहाँ पर। अच्छा एक काम कर लें, जहाँ जहाँ ये दीवारें खुली हुई है उसको क्लोज कर दें, फिर इसको प्रेजेंट करने में इजी होगी। एल एंटर यहाँ पे क्लिक करके ये यहाँ तक स्केप और यहाँ पे एल एंटर, ये जितनी भी लाइन्स खुली हुई है उनको बंद कर लें, इंटर इसको सेक करा इंटर, फिर इंटर इसको सेक करा इंटर, कहाँ पर है ये यहाँ पे इंटर, ये यहाँ पे इंटर, ठीक है फिर से इन सबको सेलेक्ट करके या तो एन ए इंटर ये कलर दे के इसको कर दो, ठीक है इंटर। उसके बाद लेयर ऑन करो एल ए आई लेयर ओपन, सारे लेयर ऑन हो जाओ, थोड़ा सेव तो ड्राइंग जो भी है जो भी है नाम दे दो, हर 10 सेकंड के बाद कंट्रोल एस कंट्रोल एस कर दे। अच्छा अब यहाँ बनानी है विंडो एन इंटर, अब क्लिक करा ये यहाँ क्लिक करा स्केप ऑप्शन लिया 2 इंच का, इसको सेव करके पीछे खींचे जाएंगे स्केप, सबको सेलेक्ट करके लेयर में जाके विंडो कर देता हूँ। अगर विंडो की भी लेयर में देनी है कंटिन्यूस सॉलिड लाइन के उसको क्रॉस कर देना, ठीक है फिर ये कॉपी करके यहाँ बनाना रोटेट कर देना, ठीक है सी पी कॉपी सेलेक्ट लाइन, यहाँ से उठा के उसको मैं ये यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद
एक ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे, बाकी दो नहीं लगेंगे, स्केप करते हैं। इन दोनों को रोटेट कर देंगे। आर इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आर ओ इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, इनको यहाँ से उठा के क्लिक कर देंगे, ये रोटेट होगी। फिर से करेंगे आर ओ इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, इसको यहाँ से क्लिक करके ऊपर लेके जाएंगे, ये ऑर्थो ऑन होना चाहिए। उठा के ये आगे कर देता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको देना है डोर, ये वाला डोर, ये डोर यहाँ से ओपन होता है, उसको ओपन कर दो, एंटर क्लिक करो, हमारा दो फीट माइनर चेंज, स्केप अल्टर डी ए डी, अभी क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा, क्लिक कर दी, स्केप, एक चेयर ये बन गया, एक चेयर ये बन गया। इसको सेलेक्ट करके बिल्कुल इसको बारीक नहीं आ गया, सेलेक्ट करके डोर बना दो, कि यहाँ पे डोर है, इस डोर को कॉपी करके यहाँ पे ला, सी पी कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, यहाँ से उठा के इसको ये यहाँ पे रख दो, और एक ये यहाँ पे रख दो, और एक ये यहाँ पे रख दो, और एक ये यहाँ पे रख दो, एक ये यहाँ पे रख दो, बाद में इसको हम रोटेट कर देंगे, स्केप, अब इसको करेंगे रोटेट, आर ओ एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लाइन एंटर, यहाँ से सेलेक्ट करके ये सीधा हो गया, और ये वाला है रोटेट, आर ओ एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको रोटेट कर लेते हैं यहाँ से, फिर उसको मिरर कर देंगे, एम आई एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ये क्लिक करके यहाँ पे, उसके बाद बाय एंटर, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, टेंटर है, ये मेरी ड्राइंग बन चुकी है। अब इसमें ये बाथरूम पड़े हुए, बेड पड़े हुए, ये सब कैसे रखेंगे, सीढ़ियाँ कैसे बनाएंगे, बेड टेबल सोफा, ये सब कुछ ड्राइंग सेंटर में जो आपको पहले पार्ट वन में सिखा चुका हूँ, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है। तो ये वाला ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, इसको सीधा कर लेते हैं, आर और इंटर ऑब्जेक्ट, ये हमारा डोर सीधा हो गया, ठीक है। कोई भी मुश्किल ड्राइंग हो मुझसे हेल्प लो, मैं आपको ट्वीट करूँगा, बताऊँगा। तो बाकी की ये सीढ़ियाँ कैसे बनेंगी, यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, डी आई एंटर, यहाँ से लेके ये यहाँ कितना आ रहा है, तीन फीट, तीन फीट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है एक फीट का, कुछ ज़्यादा नहीं बने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बड़ा है, और ये तीन बड़ा है, यहाँ से अब यहाँ से तीर बनानी पड़ती है लाजमी, क्योंकि ये अब जाए और थो और बोल दो यहाँ तक, और फिर और थो को ऑफ करके ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक स्केप कर दो, यानी ये ऊपर से जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रहा है। अच्छा चलो ये बना लेते हैं, उसके बाद ये लाइन कितनी है, डी आई इंटर, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कितना है, तीन फीट, और ये एक फीट। चलो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन मार देता हूँ, कितनी थी, डी आई इंटर, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक छः फीट, ऑफसेट फिट, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसके, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक तीन फिट, ऑफसेट तीन फिट, इसको सेलेक्ट करा नीचे पे, और
ये कितना दे रहा है, टी पॉइंट यहाँ से लेकर यह ये दे रहा है 2 इंच, 2 इंच का बीच में होता है डंडा सिर, ऑफसेट 2 इंच उसको लेकर के कितना ऑफसेट, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था डी आई पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट है, ऑफसेट लिया 3 फीट का, इसको आगे देंगे और ये ट्रिम कर देंगे डी आई पॉइंट, ये ट्रिम और ये भी ट्रिम। उसके बाद यहाँ के 1 फीट के आगे ये 1 फीट 1 फीट 1 फीट यहाँ से ऑफसेट देंगे, ऑफसेट 3 फीट का 3 फीट तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 फीट लेंगे ऑफसेट 1 फीट 12 इंच निकल दिया, उससे ये 12 इंच और 1 फीट से होता है इसका, और ये 3 फीट यहाँ से ट्रिम कर दिया, के बाजू में ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम, इसका ये सारा कैप ही सील है, बन जाएंगे सेम टू सेम। और यहाँ पे तीर बना लो, यहाँ पे तीर बना लो तो आप करके ये यहाँ पे तीर बनाना लाजमी होता है, ताकि आपको यहाँ स्टार्टिंग है फिर ये अप जा रहा है, ठीक है भाई।